हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, हमेशा की तरह हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, HSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्राम सचिव, पटवारी, कलर्क, CET, और इसके साथ साथ जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जहाँ जहाँ साइंस आती है, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर और VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशल रहेगी। आज की क्लास में बच्चों हम करेंगे 70 MCQs, वो भी मिक्सअप, यानी पूरी साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो बच्चों, आज की क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ ऐसी ही सीरीज डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और वहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को तापीय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार फटाफट से बच्चों लाइव चैट में आंसर टपका दो इस क्वेश्चन का, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टपका दो फटाफट से, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, वेल डन मेरे भविष्य के VLDA डॉक्टर साथियों और मेरे कॉन्स्टेबल साथियों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं बच्चों, वो होती हैं हीटिंग करने पे, गर्म करने पे किसी चीज़ को, इसलिए इसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में मौजूद हैं बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई इसका, शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई, वेल डन, बड़े अच्छे, इसी तरह से जवाब देते जाइए मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अभी आप पता लगा सकते हो, जैसे मैंने लिखा H2O, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है भाई वायु वॉल्यूम? 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, Na2CO3.10H2O इज नोन एज, Na2CO3.10H2O को किस के रूप में जाना जाता है भाई? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश मेरे साथियों, बिल्कुल ऐसे ही जवाब देते चाहिए भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन सी, वॉशिंग सोडा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, वॉशिंग सोडा। अब आपसे क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि वॉशिंग सोडा में पानी के कितने क्रिस्टल पाए जाते हैं? तो आप कहोगे 10H2O, यानी 10 क्रिस्टल इसमें, 10 क्रिस्टल मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड मौजूद होता है किस में भाई? ऑरेंज में, टी में, कर्ड में या विनेगर में? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, नारंगी, चाय, दही और सिरका, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई। और मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे सारी की सारी थ्योरेटिकल क्लास भी अवेलेबल हैं, आप किसी भी टाइम किसी भी क्लास को देख सकते हो। बायोलॉजी बिल्कुल स्टार्टिंग से, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी स्टार्टिंग से करवा रखी है, यहाँ तक 10th क्लास का मैथ्स भी करवा रखा है, तो जिन बच्चों को देखनी है देख लेना भाई। तो इसका जो लैक्टिक एसिड की बात करते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध, दही, ठीक है, तो यानी कर्ड, इसमें ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों, और जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया वो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लो, ताकि आगे गलती ना हो भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को कम किसका प्रयोग करके करते हैं? स्लैक लाइन, जिप्सम, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश।
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे साथियों, बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई। वेरी गुड, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बुझा हुआ चूना। क्या रहेगा? स्लैक्ड लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। अब चूना कब बुझता है भाई? आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं, यानी पानी में डाल देते हैं, ठीक है, बिना बुझे हुए चूने को किस में डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रख लेना, फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, और इसका जो नेम है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, इन विच पीएच रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमोस्फियर। वातावरण में किस पीएच रेंज में हमारा शरीर जीवित रह सकता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप आंसर देते जाइए मेरे साथियों। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चंस हैं और वैसे ये कंफ्यूजिंग भी है, तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और अपना स्कोर बिल्कुल लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, और इस वीडियो के बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें जरूर लिख देना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा हाई हो जाए और हम आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कर सके। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 7.0 से 7.8। ये हमारी बॉडी का पीएच लेवल नॉर्मल होता है, ठीक है, कम ज़्यादा आपको पता ही है। अगर 7 से डाउन जाएगा, ठीक है, तो एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी और हमारी बॉडी में क्या है कि उस टाइम एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड एंड मर्करी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, इसका क्या रहेगा? टेंशन नहीं लेनी, बता सारी बातें दूंगा, बस आप आंसर दे दो एक बार। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कि इसमें टिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेड उससे कम, कॉपर उससे कम, मरकरी सबसे कम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन करवाता हूँ। सबसे पहले के यानी पोटेशियम, फिर लिखिए सोडियम, फिर लिखिए कैल्शियम, ठीक है, फिर लिखिए मैग्नीशियम, फिर लिखिए एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद लिखिए जिंक ZN, उसके बाद लिखिए फेरस FE, उसके बाद लिखिए टिन, टिन को लिखते हैं हम SN से, ठीक है, उसके बाद लिखिए बच्चों लेड यानी PB, ठीक है, और ये ना ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, कम 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 चलते जाएंगे, ठीक है। कुछ एक और लिखवा देता हूँ, फिर हाइड्रोजन, इसके बाद आएगा PB यानी लेड के बाद हाइड्रोजन, फिर आएगा आपका कॉपर, फिर आएगा मरकरी, फिर आएगा सिल्वर, फिर आएगा गोल्ड। गोल्ड क्या है बच्चों? लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है बच्चों, समझ गए भाई। सबसे ज़्यादा टिन, टिन से ज़्यादा फिर क्या आएगा आपका, टिन से कम क्या आएगा? लेड, लेड से कम क्या आएगा बच्चों? कॉपर, कॉपर से कम क्या आएगा आपका? मरकरी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई मेरे साथियों, बिल्कुल अच्छे से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द मेटल दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर, कि पानी के साथ ट्रीट करने पर तैरने वाली धातुएं कौन सी, यानी पानी में किसी धातु को डालेंगे तो वो तैरेगी कौन सी पानी के साथ रिएक्ट करके, कौन कौन सी धातु होगी बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई,
वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे या पानी में इनको डालेंगे तो ये क्या है, फ्लोट करने लग जाएगी, पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन ए नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, कि जब एक अधातु को पानी के साथ अभिक्रिया करने दिया जाता है तो क्या होता है। CO2 गैस इज फॉर्म्ड, H2 गैस इज फॉर्म्ड। बनने वाला उत्पाद तापमान पर निर्भर करता है, कोई उत्पाद नहीं बनता। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड भाई, गजब के क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है और एग्जामिनर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन देखता है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। कुछ मेरे साथी कहते हैं सर लेवल के क्वेश्चन नहीं है, जब लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं तो कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। मेरे भाई लोगों कहीं तो जीने दो यार, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए जबरदस्त लेके आ रहे हैं कि हमारा यही क्राइटेरिया रहता है कि बच्चे का कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, ठीक है, कोशिश यही रहती है, ठीक है ना। पेपर आपका जीरो से जो हम करवा रहे हैं, जीरो से हाई लेवल करवा रहे हैं भाई, आपका एग्जाम में हमारे हिसाब से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन डी, नो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, इससे इनको कोई भी उत्पाद नहीं मिलेगा जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, पानी के साथ। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कार्बन कंपाउंड कंटेन्स टू एटम्स ऑफ कार्बन, विच नेम शुड बी कार्बन कंपाउंड बियर। इसने कहा एक कार्बन यौगिक में कार्बन के दो परमाणु होते हैं, तो कार्बन यौगिक को कौन सा नाम देना चाहिए, ब्यूटेन, इथेन, मिथेन, प्रोपेन। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड, बड़े अच्छे भाई, इसी तरह से जवाब देते जाइए बच्चों। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना भी, हमारी टीम को आपके कमेंट का इंतजार रहता है, वो वेट करते हैं कि कब हम लाइक और इनको हार्ट दे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए यूज करते हैं हम इथ, ठीक है। उसके बाद तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एक के लिए मिथ यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम इथ यूज करते हैं, ठीक है। तो इथेन क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2-4, हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन ए कंपाउंड। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, तो एक यौगिक में कार्बन परमाणु कितने बंधन बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों, कितने आबंध बना सकता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। बस थोड़ी सी सोचने की बात है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 हैं, कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए इसको कितने एलिमेंट्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 की, तो यानी ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई, जिन साथियों ने ऑप्शन सी कहा, वेरी गुड। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए हाइड्रोकार्बन शुड हैव ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स टू शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए एक हाइड्रोकार्बन में कम से कम कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फटाफट से लगा दो भाई, टपका दो लाइव चैट में। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 4 कार्बन, 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, तो वो सारे के सारे जो एल्कीन्स है ना बच्चों, एल्केन्स है, ठीक है, वो क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म को शो करते हैं जब उनके पास 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन,
और मैग्नीशियम। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है फ्लोरीन, वो क्या है बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, वेरी गुड मेरे साथियों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन से बड़ी है, ऑक्सीजन की किससे बड़ी है, फ्लोरीन से बड़ी है। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस कैसे पता लगेगा, टेंशन ना लो, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा भाई इस पे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर टेस्ट में आप टाइम ज़्यादा लगाते हो, तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए फटाफट से टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं आज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, बाएं से दाएं, बाएं से जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रो पॉजिटिव चरित्र का क्या होता है, आवर्त सारणी में सही बताइए भाई, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, या पहले डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन। तो बच्चों जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो चरित्र हैं वो इनका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्रुप 80th एलिमेंट, समूह 18वें तत्वों का दूसरा नाम क्या है भाई, नोबल गैसेस, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स या हेलोजन। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है और यहाँ से एक क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, तो इस 18 ग्रुप को ध्यान से और अच्छे से याद कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, नोबल गैसेस, या इनको बोलते हैं इनर्ट पेयर गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट पेयर गैसेस। उसके बाद आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्यूडोपोडिया के द्वारा या क्लोरोप्लास्ट। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भी, शाबाश। और जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड मेरे साथियों, इसी तरह से आंसर देते जाइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों ऑप्शन ए, फूड वैक्यूल्स, भोजन रिकितकाओं में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, और स्यूडोपोडिया के द्वारा अपना फूड वो क्या करता है बच्चों, कैप्चर करता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग, मनुष्यों में श्वसन वर्णक कौन सा है, कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और आप लोगों को इसका जवाब बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आज थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा फिरा के आया है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, तो मेरे साथियों फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है और काफी सारे क्वेश्चन पेंडिंग पड़े अभी, थोड़ा फटाफट से करो, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक वर्णक का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो लाइव चैट में आंसर फटाफट से दिया करो थोड़ा सा भाई। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स ऑन, रंध्र के छिद्र का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन द गार्ड सेल, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यानी सांद्रित कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट पर। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था
गॉड सेल्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है? पी लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन सी, वाटर इन द गॉड सेल। गॉड सेल में पानी की मात्रा के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है भाई, उनका खुलना और बंद होना। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल? मानव आहार नल में शरीर के अंगों का सही क्रम कौन सा होगा? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ओसोफेगस? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, लाइव चैट में फटाफट से आंसर टपका दो। शाबाश, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ो और फिर आंसर देना मेरे साथियों, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हुए भी हर एक प्रैक्टिस सेट में तीन चार क्वेश्चन गलत कर देते हो, ऐसा मत किया करो यार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी। पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुंह में। मुंह में से ओसोफेगस जो हमारी कैनल है उसमें, वहाँ से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुष में यौन अंगों को विकसित करने के लिए, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, शरीर में शर्करा और नमक के स्तर को विनियमित करने के लिए, या शरीर में उपापचय शुरू करने के लिए? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इसका। वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, शाबाश। इसी तरह से लाइव चैट में आंसर देते रहिए भाई, और एक क्लास का अच्छा सा माहौल बना लीजिए, और आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप डेली देते हो और कितनी गलतियों से आप डेली सीखते हो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी ग्रोथ हॉर्मोन्स को कौन सेक्रेट करती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि स्रावित करती हैं विकसित करने के लिए, यानी अंगों को विकसित करने के लिए हॉर्मोन्स को स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 22। ए फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर सम हॉर्मोनल टेबलेट्स, विच ऑप्शन शोज द हॉर्मोन्स ही लैक्स इन हर बॉडी फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड? एक महिला अनियमित मासिक धर्म से पीड़ित हैं, डॉक्टर ने उसे कुछ हॉर्मोन की गोलियां दी, ठीक है, कौन सा विकल्प अंतःस्रावित ग्रंथि से उसके शरीर में हॉर्मोन की कमी को दर्शाता है? एस्ट्रोजन, टेस्टोरेन, एड्रेनलाइन या थायरोक्सिन? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का। वेरी गुड भाई, तो 22 का जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन हॉर्मोन। एस्ट्रोजन हॉर्मोन की जो कमी है उनके कारण फीमेल्स का जो अनियमित मासिक धर्म है वो क्या हो जाता है? अनियमित हो जाता है, ठीक है, किसकी कमी से? एस्ट्रोजन की कमी से। उसी की टेबलेट क्या है फीमेल्स को फिर दी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन ए न्यूरोन? सूचना न्यूरोन के भीतर कैसे यात्रा करती है? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग? डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग। एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट और नर्व एंडिंग। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का। शाबाश, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथियों जाती हैं वो जाती हैं डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स से कहाँ? सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद ऐसे ऐसे यहाँ क्या बने हुए होते हैं? न्यूरॉन्स बने होते हैं। न्यूरॉन्स के बाद एक ऐसे पूंछ सी होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? इस पूंछ के पास, जिसको कहते हैं नर्व एंडिंग के पास। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर? मस्तिष्क के कौन से हिस्से रक्तचाप को नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस कॉर्ड, स्कल, सेरिब्रम, पोन्स मेंडुला, सेरिब्लम, पोन्स मेंडुला या पिट्यूटरी? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई। वेल डन, वेल डन भाई। इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, पोन्स मेंडुला और सेरिब्लम। पोन्स मेंडुला और सेरिब्लम क्या करते हैं? जो ब्रेन है, ब्रेन को कंट्रोल, यानी ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को ब्रेन के जो पार्ट कंट्रोल करते हैं पोन्स मेंडुला और सेरिब्लम करते हैं बच्चों।
उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक है, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट और मेंटेन ग्रोथ, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर अ जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने के लिए। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन, बस इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल है, अनिवार्य है, जरूरी है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज ए डेडली डिसीज विच इज कॉज्ड बाय, एड्स एक घातक रोग है जो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया या वायरस के कारण। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, ए वायरस, एक वायरस, ठीक है, एक वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, विच अमोंग द फ्लोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सा जो रोग है बच्चों यौन संचारित नहीं होता, साइफिल्स, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, गोनोरिया। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो माना गया है हेपेटाइटिस को, ठीक है, काफी सारे एग्जाम्स में एग्जामिनर ने हेपेटाइटिस को बिल्कुल सही माना है, बट हेपेटाइटिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है ना, बट हर एक एग्जामिनर ने इसको क्या माना है, सही माना है, तो आपको भी यही करना पड़ेगा भाई, और कोई इलाज जो नहीं है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन जाइगोट एंड ए ह्यूमन सपर्म, मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात होगा 2:1, 3:1, 1:2 या 1:3। फटाफट से शाबाश, वेरी गुड, लाइव चैट में टपका दो भी आंसर को, ठीक है, लटका दो उल्टा करके कि दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर ना भूलो, और बच्चे जो गलतियां हो रही है ना उनको नोट डाउन करके इम्प्रूव जरूर कर लेना, ताकि भविष्य में किसी भी एग्जाम में हमसे कोई गलती जान के भी ना हो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, कि जब ह्यूमन का जाइगोट बनता है तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, मानव का जो सपर्म होता है चाहे मेल का हो फीमेल का हो कितने, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23:2 = 46:2 के आ गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे, विच सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, DNA का कौन सा भाग एक प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ट्रेट या जीन। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शाबाश, वेरी गुड भाई। बस ऐसे ही आंसर देते जाइए मेरे साथियों, आपका जो भविष्य है वो जरूर सुखद, सुलभ और सफल होगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है बच्चों, जीन्स करते हैं, ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन, मेंडल ने अपने प्रसिद्ध प्रजनन प्रयोग किए किस पे भाई, ड्रोसोफिला पे या एस्त्री चाइकोली पे या पीजीएम सेटिवम पे या ऑल ऑफ दीज। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भी, क्वेश्चन नंबर 30 का, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, फटाफट से बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है ये पीजियम, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों ऑप्शन सी, पीजियम सेटिवम। पीजियम सेटिवम क्या है, साइंटिफिक नेम है बच्चों किसका, पी का, मटर का साइंटिफिक नेम है पीजियम सेटिवम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पीजियम सेटिवम, यानी मटर तो आपको याद था, पी तो आपको याद था, बट पीजियम सेटिवम में मार खा जाते, इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन अच्छे कंफ्यूज करने वाले हैं। तो मटर का जो साइंटिफिक नेम है बच्चों वो रहेगा पीजियम सेटिवम। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे, विच इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रेगनेंसी विल बी ए बॉय,
क्या प्रायिकता है कि नरसतत्वी लड़का होगा, यानी जो संतान होगी वो लड़का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। बस ऐसे ही रिप्लाई करते जाइए, इस सीरीज को डेली ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों का बेनिफिट जरूर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों, वो रहेगा ऑप्शन ए 50%। चांसेस यही होते हैं लड़का हो या लड़की, 50% होते हैं, दोनों 50-50% होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। कोई बाबा नहीं है जो आपको बता दे भाई 75% 100% लड़का होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। वो डिपेंड करता है जीन्स के मिलने पर, क्रोमोसोम्स के मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 32, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, एक समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है, 0, इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर एंड -25 सेंटीमीटर। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इतनी स्पीड से चल रहा हूं, आपको 2x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल स्पीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपकाते जाइए भाई। शाबाश। तो बच्चों जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की, वो होती है इनफाइनाइट, यानी अनंत होती है। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन, दिस इंसिडेंट बीम इज, इसने कहा एक प्रकाश की किरण है समतल दर्पण पर आपतित होकर परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपतित किरण होगी पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और नॉट सर्टेन। फटाफट से लाइव चैट में आंसर बता दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के लिए, बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा बच्चों ऑप्शन बी क्या रहेगा, कन्वर्जेंट प्रतिबिंब, यानी आपतित किरण कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, इकट्ठा होने वाली होगी, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज, इसने कहा एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब होगा, इमेज कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, आभासी होगी, उल्टी होगी, या वास्तविक और सीधी होगी, या वास्तविक उल्टा और वस्तु के विपरीत आकार का, या रियल इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये एक तरह का न्यूमेरिकल है। तो इसमें कहा कि फोकल लेंथ कितनी है, 20 है। फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इसके बाद u यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। दोनों नेगेटिव हो गई, याद रख लोगे। उसके बाद फॉर्मूला है बच्चों इसका, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये है कनकेव के लिए। कन्वेक्स के लिए क्या होगा, इस 1/f नेगेटिव हो जाएगा और 1/u भी किस चीज़ का हो जाएगा, नेगेटिव, 1/u - 1/v आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें v निकालना है, तो 1/v - 1/40 = 1/-20। तो 1/v तो हमें निकालना है, तो 1/40 को उधर ले जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा -1/20 + 1/40। दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो 40 आएगा, 22 + 40 - 2 आया, 41 + 41 आया, यानी 1/v की वैल्यू आई -1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v किस चीज़ का आ जाएगा, -40, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट था इमेज उसी तरफ बन रही है बच्चों, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि इमेज उस तरफ बन रही है तो इमेज रियल होगी, और रियल के साथ हमेशा क्या आती है, इन्वर्टेड आता है, उल्टी आती है, ठीक है। और साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे, व्हेन लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स एट, कि जब प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती हैं तो अधिकांश अपवर्तन होता है क्रिस्टलाइन लेंस में, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की बाहरी सतह पर, आयरिस पर या पुपिल पर। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का। शाबाश।
वेरी गुड भाई। और इसी के साथ हमारे हाफ क्वेश्चन हो जाएंगे, हाफ ही और रहते हैं बच्चों, ठीक है। हिम्मत मत हारिएगा, लास्ट तक डटे रहिएगा, क्योंकि आप हो तो यहाँ मैं हूँ, ध्यान रख लेना भाई, क्लास पूरी अटेंड करना मेरे साथियों, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का, वो रहेगा ऑप्शन बी, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया की बाहरी सतह पर। अब आपसे क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो लाइट है आंख की कौन सी सतह पर पड़ती है, तो आप कहोगे कॉर्निया पर। किस पे पड़ती है? कॉर्निया पे, ठीक है, समझ गए मेरे साथियों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे, ए पर्सन इज सीइंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हिज आइज, व्हाट चेंज इन हिज आइज विल टेक प्लेस, ठीक है। एक व्यक्ति है भाई, उसकी आंख के करीब जब वस्तु को वो देख रहा होता है तो उसकी आंख में क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसने कहा पुपिल साइज विल एक्सपेंड, पुतली के आकार का विस्तार होगा, सिलरी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, फोकल लेंथ आई लेंस की वो इंक्रीज होगी, या लाइट एंटर करेगी आंख में वो उसका प्रकाश क्या होगा? अधिक होगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। और ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, किसी चीज़ को पास करोगे तो आपकी जो आँखों की जो सिलरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, उनमें सिकुड़न होगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर, फैलेगी बच्चों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिनट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमोसफियर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, कि सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा प्रकाश का विक्षेपण सभी दिशाओं में वायुमंडल के खाली स्थान को प्रकाश का कहा जाता है, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस या टिंडल इफेक्ट। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 का, शाबाश। तो बच्चों इसने कहा सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा प्रकाश का विक्षेपण सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं का मतलब क्या है? लाइट क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने कहा स्कैटरिंग, बिल्कुल सही है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स ए ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर, द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर, जब सफेद प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन का कोण सबसे कम होता है, कौन सी लाइट में होता है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो डेविएशन, सबसे कम डेविएट कौन सा कलर होता है? वो होता है मेरे साथियों रेड लाइट। कौन सी होती है? रेड लाइट। और सबसे ज्यादा कौन सी होगी? वॉयलेट। सबसे कम कौन सी होती है? रेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है स्क्रीन पे, देखिए क्या रहेगा। द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेंड बाय 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम इज, सो ए 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम के लिए जो लिस्ट रेजिस्टेंस होगा, कम रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा? इनको कैसे जोड़ें कि हमें रेजिस्टेंस कम मिल जाए? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भी क्वेश्चन नंबर 39 का, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, लिस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए तो इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/100, तो एलसीएम कितना आएगा? 100। 100 तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा भी, 1 के बाई में 1 है, 2 से करेंगे तो प्लस में 50 हो जाएगा, 4 से करूंगा तो 25 हो जाएगा, 100 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, 100 और उसके साथ साथ भाई 2 से डिवाइड किया 50, 150 के बाद कितना? 25, यानी 176, 176 के बारे में क्या आ जाएगा? 100, यानी 1.76। तो जो वैल्यू होगी बच्चों इसके हिसाब से तो हमें 1.76 मिलनी चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लो भी जिनको समझ नहीं आया, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम, 1/2 + 1/4 + 1/100, तो 100 एलसीएम बच्चों,
100 प्लस क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करूंगा तो 50, 4 से करूंगा तो 25 और 100 से करूंगा तो 1, यानी 176 बाय 100, तो जो वैल्यू आएगी 1.76 आएगी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1.76 कहाँ लाई कर रहा है भाई, ना तो डी में लाई कर रहा, ठीक है 2 ओम से तो बड़ा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई इसके हम वैल्यू चूज करेंगे ना तो लगभग इसके आसपास की करेंगे, तो वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, किसने कहा, 1 ओम से लेस। ऑप्शन इनमें से कोई 1.76 नहीं दे रखा तो मजबूरी है भाई इसके आसपास की वैल्यू में लेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे, ए फ्यूज वायर रिपीडली गेट्स बर्नड व्हेन यूज्ड विद ए गुड हीटर, इट इज एडवाइज टू यूज ए फ्यूज वायर। एक फ्यूज तार बार बार अच्छे हीटर के साथ प्रयोग करने पर जल जाता है, तो खालिस्तान का तार उपयोग करने की सलाह दी जाती है, अधिक लंबाई का, कम त्रिज्या का, कम लंबाई का या अधिक त्रिज्या का, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 का। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका क्या है, किसने कहा बार बार जल जाता है, उसको जलने से रोकना है तो उसकी त्रिज्या यानी उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, तार की ज्यादा, तार की मोटाई ज्यादा होगी तो वो गर्म कम होगा, गर्म कम होगा तो जल्दी से फ्यूज नहीं उड़ेगा, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता यानी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी भाई, के कैसे इफेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को, तो इस लेंथ इसकी लंबाई को, इट्स थिकनेस इसकी मोटाई पर निर्भर करेगा, इट्स शेप इसका आकार पे या नेचर ऑफ द मटेरियल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन, वायर की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों वैसे तो इसने जो बात कही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी रो की बात की है, किसकी बात की है, रो की बात की है, ठीक है, तो रो किसके बराबर होता है बच्चों, रो होता है आर, आर रो इज इक्वल टू आर ए बाय में एल, ठीक है, ये चीज होती है। तो वैसे तो सारी बात यही डिपेंड होती है भाई, अगर रो की हम बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड किस पे करेगी, एरिया पे भी करेगी, लेंथ पे भी करेगी, दोनों चीज़ों पे, पर ऑप्शन में जो चीज़ हमें दिख रही है इन पे तो करेगी, ये तो कॉमन चीज़ है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे करेगी, सामग्री की प्रकृति पे डिपेंड करेगी बच्चों, तो ऑप्शन डी क्या मानेंगे हम यहाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे, द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरे साथियों आप लोगों के लिए, बस जवाब देते जाइए भाई। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेरी गुड। तो किसका यूज किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सॉफ्ट आयरन कोर, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, निम्नलिखित में से किसको एक चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, स्टील, कोबाल्ट, ब्रास, निकल, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शाबाश। और जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल क्लास देखी है ना वो इस टेस्ट को 70 में से 70 जो नंबर है ले सकता है, तो थ्योरेटिकल क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने हर एक सेक्शन की अलग अलग बना रखी है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग अलग बना रखी है, देख सकते हो आप लोग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, स्टील को भी अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को भी करता है, निकल को करता है, किसको नहीं करता, ब्रास को, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं भाई, वो क्या करती हैं, इसने कहा इंटरसेक्ट करेगी एट न्यूट्रल पॉइंट पे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, छेड़छाड़ गलत लिख दिया भाई ये, ठीक है, इंटरसेक्ट नियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट एट द मिड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में इंटरसेक्ट करेगी, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों इसका, शाबाश।
44 का जो राइट आंसर, फटाफट से शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ की पास, नॉर्थ से निकलती है साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। बस एंड के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, वो एक दूसरे के करीब जरूर होगी, पास जरूर होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। द फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज नॉर्थ पोल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द लूप विल बी। एक तार के वृत्ताकार लूप का अगर भाग उत्तर ध्रुव है तो लूप के इस फलक में धारा की दिशा होगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टुवार्ड नॉर्थ, टुवार्ड साउथ। 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा ऑप्शन बी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एक तार का वृत्ताकार लूप है भाई, उसका जो अगर भाग है यानी आगे का फेस है वो किस तरफ है? उत्तर डायरेक्शन की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ जब उसका फेस होगा, ठीक है, तो आप इसमें थंब रूल लगा लेना, ठीक है, फ्लेमिंग का जो थंब रूल है वो लगाना, थंब रूल आप लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में रहेगी, क्लॉकवाइज में रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट आंसर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 46 पे, व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि यह राख पैदा करता है, क्योंकि यह मीथेन पैदा करता है, क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना चलता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होता है। फटाफट से 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो बच्चों, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। बायोगैस है ना बच्चों, वो क्या है, किस लिए उसको अच्छा सोर्स माना जाता है? क्योंकि वो कोई धुआं नहीं छोड़ती, बिना धुआं छोड़े जलती है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पे, विच ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स कैन हेल्प रिकॉग्नाइज ए गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। इनमें से कौन सी विशेषता हमें ईंधन के अच्छे स्रोत को पहचानने में मदद करती है? भौतिक स्थिति, सभी क्षेत्रों में उपलब्धता, सभी देशों के लिए लागत प्रभावी, या बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 का? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टपका दो भी राइट आंसर, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी कि जो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा हमारे लिए तो वही सोर्स अच्छा है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 48, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चेन। एक खास श्रृंखला में एक ट्रैफिक स्तर से दूसरे तक प्रभावित होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना भाई, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई। इतना सा सहयोग आपसे हम उम्मीद करते हैं आप करोगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 10% कि जो ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, तो प्रत्येक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। और सबसे कम एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी? जो बिल्कुल लास्ट है, टर्सरी स्टेज पे है उसको। तो इसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है, ठीक है, उसके ह्रास के लिए जिम्मेवार है? CFC, ऑक्सीजन, SO2 या CO2। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड बच्चों। तो फटाफट से आंसर देते जाओ भाई, शाबाश। मैं फास्ट चल रहा हूं भाई, एक मिनट में एक क्वेश्चन आपका हो रहा है, इससे फास्ट और क्या चलूं यार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए क्या है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जी आज का क्वेश्चन नंबर 50, यानी हाफ सेंचुरी लग जाएगी इस क्वेश्चन के साथ ही। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोसिस्टम इज, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है कार्बोहाइड्रेट, सोलर एनर्जी, बायोमास या ATP। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की ड्राइविंग फोर्स कौन सी है बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
वेल डन मेरे साथियों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। कैसे हैं भाई? क्योंकि सौर ऊर्जा की हेल्प से ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आगे की जो चेन्स हैं, आगे के जो कंज्यूमर्स हैं, उनको फूड प्लांट से मिलता है, प्लांट से जो फूड लेंगे ठीक है वो किसको फूड फिर आगे प्रोवाइड करेंगे, कार्निवर्स को प्रोवाइड करेंगे, यानी सीरीज किससे चली? सोलर एनर्जी से। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एन एग्रीकल्चरल क्रोपलैंड इज, एक कृषि फसल भूमि है भाई, किस तरह की होनी चाहिए? बायोम होना चाहिए, नेचुरल इकोसिस्टम होना चाहिए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होना चाहिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 का। एक कृषि फसल भूमि है यानी जो फसल उगाते हैं ना वो कैसा है भाई, किस कैसी है, आर्टिफिशियल या नेचुरल, दोनों में से एक आंसर दे दो। शाबाश, क्योंकि बच्चों वो क्या है, आर्टिफिशियल है। फसल तो कुछ टाइम के लिए होती है ना, आप ही बोते और आप ही काटते हो, तो वो क्या हो गई? आर्टिफिशियल हो गई। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए जी क्वेश्चन नंबर 52 पे, द हार्मफुल केमिकल विच इज एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बींग थ्रू फूड चेन, हानिकारक रसायन जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य में जमा हो रहा है, BHC, DDT, एब्सिसिक एसिड या CFC? 52 क्वेश्चन का फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, DDT। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT, फटाफट से लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे, कार्निवोर्स रिप्रेजेंट मांसाहारी प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका करते हैं भाई? प्राइमरी कंज्यूमर्स का, या रेड्यूसर्स का, या फाइटोप्लैंकटन्स का, या सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स का? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 का। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। तो 53 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर, माध्यमिक और तृतीयक उपभोक्ता ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं फूड को, प्राइमरी उसको खाते हैं ठीक है, सेकेंडरी वहां से आगे भाई जो ह्यूमन बीइंग आ गया, टर्सरी क्या आ गए आपके जो कार्निवर्स है सिर्फ मांस खाते हैं वो आ गए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1952, 62, 72, 82? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 54 का, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 का वो रहेगा ऑप्शन सी, 1972। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन सी क्या रहेगा मेरे साथियों? बिल्कुल सही, 1972। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे, हु प्रिपेयर्ड द गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान किसने तैयार किया, कौन तैयार करता है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ पोल्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रिवर नदी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग विभाग? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 का। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश, फटाफट से आंसर देते जाओ मेरे साथियों। शाबाश, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण विभाग। कौन करता है अभी गंगा एक्शन प्लान, किसने बनाया था? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण विभाग ने भाई। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 56, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेज आर रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड, शाही बंगाल बाघ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 का। शाबाश, वेल डन भाई, वेरी गुड। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए बच्चों ठीक है, फल की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको पॉजिटिव जरूर मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, गोदावरी डेल्टा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, गोदावरी डेल्टा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे,
When was the गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड, गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई थी, 1980, 82, 84 और 86। फटाफट से लाइव चैट में आंसर बता दो बच्चों इसका। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 1986 में, 1986 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट द पीएच रेंज मोस्ट कंडक्टिविटी फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताजे पानी के पौधों और जानवरों के जीवन के लिए पीएच रेंज सबसे अधिक प्रभावित क्या कौन सी है, सबसे सुटेबल जो रेंज रहेगी वो कौन सी रहेगी बच्चों, जो जीव और जो पौधे पानी में सर्वाइव करते हैं, पानी में जीवन यापन करते हैं उनके लिए। फटाफट से लाइव चैट में 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों जैसे ह्यूमंस को आपने देखा 7 से 7.5678 की जो वैल्यू है वो सुटेबल मानी, तो इसके लिए 7 पॉइंट यानी 6.5 से 7.5 की जो वैल्यू क्या रहेगी, सुटेबल रहेगी। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 पे। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मौजूद है, ठीक है, या किसके भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसिज और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली या कोल। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है हमारे वायुमंडल में। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो क्वेश्चन नंबर 59 का। वेरी गुड। तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के जो ट्रेसिज है उनके रूप में मिलता है ये, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन्स बिकॉज, ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है मशीनों में, स्नेहक होता है क्योंकि, ठीक है, यानी इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लेयर, इट्स डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 1.9 to 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट, यह मजबूत और क्या है, नरम है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 का। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई, ठीक है, रिप्लाई इसी तरह से करते जाइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है और इसकी जो लेयर है वो क्या होती है, फिसलने वाली होती है, चिकना चिकना होता है ये, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे। प्लेनेरियाज मोस्ट रिमार्केबल करेक्टरिस्टिक्स आर इट्स एबिलिटी टू, प्लेनेरिया की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी क्षमता है, ठीक है, तो ये किसने भाई, हाइबरनेशन के कारण सर्वाइव विदाउट एयर, या जनरेट करते हैं बायोल्यूमिनिसेंस और रीजनरेशन के द्वारा। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ये जो आगे के 10 क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन है और 9th क्लास से उठाए गए हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई 61 का। तो बच्चों जो प्लेनेरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, किसके द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, ध्यान रखना। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पे। फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट इज कॉल्ड, असंबंधित युग्मों के संलयन को कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई क्वेश्चन नंबर 62 का। गजब का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, एलोगेमी। उनको क्या कहा जाता है, एलोगेमी कहा जाता है, जो असंबंधित युग्मों के संलयन है उनको। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पे। डैस इज ए लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय द सपर्म, सपर्म के द्वारा, शुक्राणु द्वारा जारी एक लिप्टिक एंजाइम होगा, कौन सा होता है भाई, हियालुरोनाइडेज, ट्राइप्सिन, हेलिकेज या नन ऑफ दीज। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई 63 का। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, हियालुरोनाइडेज। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे। वेयर डज द ओवम रिसीव द सपर्म, डिंब शुक्राणु कहाँ प्राप्त करता है, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, जोना, पेल्यूसिडा या नन ऑफ द एबो।
फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 का। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एनिमल पोल में, ठीक है। जो शुक्राणु हैं वो क्या रिसीव करते हैं, सॉरी जो ओवम है वो क्या रिसीव करते हैं बच्चों, स्पर्म रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 65, द इज एन ओवी पैरस एनिमल, इनमें से ओवी पैरस एनिमल कौन सा है बच्चों, बास्किंग सार्क, बोनोबा, ब्लू सार्क या नन ऑफ द एबो। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका लो, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, बास्किंग सार्क। क्या रहेगा, बास्किंग सार्क। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66, द डैश इज ए टेम्परेरी ऑर्गेन दैट कनेक्ट ए मेमिलियन मदर टू इट्स फोइटस, एक अस्थाई अंग जो एक स्तनधारी मां को उसके भ्रूण से जोड़ता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दे दीजिए भाई लाइव चैट में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, टपका दीजिए बस इसका आंसर। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है बच्चों, प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। इसी से इनको भोजन मिलता है, जो भ्रूण होता है, छोटा बेबी होता है माँ के पेट में, उसको भोजन भी किसके थ्रू मिलता है, असेंशियल चीज़ें प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 67, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, हाउएवर ओनली द टी लिम्फोसाइट ट्रेवल टू द एंड मैच्योर देयर, अस्थि मज्जा में बी और टी लिम्फोसाइट दोनों का उत्पादन होता है, हालांकि केवल टी लिम्फोसाइट यात्रा करते हैं और वहाँ परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 का। तो बच्चों ये कहां परिपक्व होते हैं, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, थाइमस में। कहां होते हैं, थाइमस में। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वायरल डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है, डिप्थीरिया, फिलेराइसिस एंड लिप्रोसी, इन्फ्लुएंजा। फटाफट से 68 का लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, फटाफट से जवाब दे दो, बस ज़्यादा देर नहीं, अब दो क्वेश्चन और रहते हैं, थोड़ी सी हिम्मत और रखिएगा, सिर्फ दो क्वेश्चन मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, इन्फ्लुएंजा क्या है, आपकी वायरल डिसीज है। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पे, कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम, कार्सिनोमा किससे उत्पन्न होता है बच्चों, एपिथेलियल सेल से, बोन मैरो से, पिगमेंट कंटेनिंग सेल से या नन ऑफ द एबो। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भी आप लोगों के लिए, शाबाश, वेल डन भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, कार्सिनोमा उत्पन्न होता है एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोलेजन, कोलेजन क्या है, फेट है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दीजिए, और अगर आपको भाई आज की सीरीज अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना, और आप हमारे चैनल को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे VLDA कैंपस के नाम से सर्च कर लेना, चैनल आपको मिल जाएगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। कोलेजन क्या है, एक तरह के प्रोटीन्स हैं, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, और स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का, और एडमिन्स को मैसेज कर देना, वो आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को भविष्य में हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।